नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि रीवा कांग्रेस के भारी भरकम नेता सिद्धार्थ तिवारी राज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली। सिद्धार्थ तिवारी काफी टाइम से त्योंथर में अपनी पकड़ बना रहे थे और कहीं ना कहीं एम कर रहे थे कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस की तरफ से त्योंथर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट फाइनल कर दी, तब से ही यह समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ तिवारी कुछ न कुछ तो ऐसा बड़ा करेंगे कि कांग्रेस को सबक मिले। और ठीक वैसा ही हुआ कि सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इस बीच सबसे बड़ी खलबली बीजेपी त्योंथर में है, और खलबली कहें या यूं कहें कि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनको उनकी वर्षों से मेहनत, कई लोग ऐसे हैं जो बचपन से लेकर अभी तक पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ऑब्वियस सी बात है, हम सब इंसान हैं, अगर हम किसी चीज के को लेकर, आशुतोष हमारे रिपोर्टर त्योंथर से जुड़ चुके हैं जो अभी इस काल में आना चाहते हैं। आशुतोष को मैं ऐड कर रहा था। आशुतोष, क्या चल रहा है त्योंथर में, क्या खबर आ रही है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार द खबरदार न्यूज टीम की ओर से। आज बिंद के कद्दावर नेता रहे प्रयुक्त श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष, उनके पौत्र सिद्धार्थ तिवारी बड़े दिनों से अटकले लगाई जा रही थी कि वो जल्द बीजेपी में या किसी भी अन्य पार्टी में टिकट न मिलने से ज्वाइन हो सकते हैं, और आज वही हुआ कि आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अटकले ये भी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने त्योंथर टिकट को लेकर समझौता किया है, त्योंथर से उनको टिकट मिल सकती है। खैर, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो इस लाइव मुद्दे में हम दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, वो हम मुद्दे सेट कर देते हैं कि इस लाइव सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो इस लाइव सेशन में हम रीवा की राजनीति में आए इस नवीन मोड़ पर चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि रीवा की राजनीति में सिद्धार्थ तिवारी के आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, त्योंथर की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा। कई ऐसे बीजेपी नेता हैं जो अभी बीजेपी के बड़े नेता जो रीवा में बैठते हैं, राजेंद्र शुक्ला से मिलने गए थे और उन्होंने शायद अपना इस्तीफा भी सौंपा है सिद्धार्थ तिवारी राज के बीजेपी ज्वाइन करने में। तो हम यह भी कोशिश करेंगे कि पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी कांग्रेस बन जाए और कांग्रेस बीजेपी बन जाए रीवा में। हम इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। हम और भी संभावनाएं, जो पॉजिटिव संभावनाएं हैं त्योंथर चुनाव को लेकर, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि अब क्या होगा, जो बीजेपी त्योंथर के एग्जिस्टिंग नेता हैं जो काफी टाइम से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, और एक तरह से अगर सिद्धार्थ तिवारी को त्योंथर से टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, जो ये आस में लगाए हुए थे कि उनको टिकट मिलेगी, चाहे वो अनिल तिवारी हो, चाहे देवेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो मधुकर द्विवेदी जी हो, चाहे वो अशोक तिवारी जी हो, या यूं कहें कि सबसे बड़े जो जिस नेता की चर्चा इस पूरे चुनाव में हो रही थी वो है तिवारी लाल। तो चाहे वो तिवारी लाल हो, चाहे वो वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी, उनके साथ में रहने वाले लोग, उनके सपोर्टर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब का राजनीतिक भविष्य थोड़ा सा खतरे में हुआ है राज के आने के बाद। तो क्या परिस्थिति निर्मित हुई है और इस ये क्या करवट लेगी त्योंथर के जो एग्जिस्टिंग बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका अगला कदम क्या होगा, इन्हीं सब संभावनाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ना शुरू करता हूं अब, ताकि हम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम इंटरैक्टिव चर्चा कर सके।
और प्रिंस तिवारी जो कटरा से हैं, प्रिंस सोनी जो कटरा से हैं, उन्होंने लिखा है बीजेपी का दांव कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। जिसके रिप्लाई में अभिषेक शुक्ला जी लिखते हैं कि कैसे कैसे उल्टा पड़ जाएगा। तो क्या लगता है आशुतोष, क्या हो रहा है त्योथर में और अब क्या होने वाला है त्योथर में? शायद आशुतोष डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ और भी दर्शक हैं त्योथर से, जो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर वो स्क्रीन हमारे साथ साझा करना चाहें, कुछ उन्हें बात करनी है त्योथर के राजनीति को लेके, ये जो राजनीतिक बदलाव आए हैं उनको लेके, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। कोई है जो स्क्रीन शेयर करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है त्योथर की राजनीति को लेके? ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी ज्यादा आगे चले गए, मनीष कुमार पटेल ने लिखा है। और मनीष कुमार पटेल ने एक चीज और लिखी है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सब कुछ भी हो सकता है रीवा के त्योथर में, कुछ भी हो सकता है रीवा के त्योथर में। बिल्कुल सही बोला है। और मैं एक बार देख लेता हूँ लाइव में कौन कौन से लोग हैं। आशुतोष को मैं फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और इसके साथ में और भी जो हमारे दर्शक हैं, जो अच्छे से सॉरी, त्योथर को वो डिस्कनेक्ट रख हो गया था सकते हैं। मैं। मैं पिंटू भाई को भी ऐड कर रहा हूँ। पिंटू भाई त्योथर की राजनीति में काफी टिप्पणी करते रहते हैं, काफी मुखर हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा में हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस करें, कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करें कि त्योथर का क्या होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि त्योथर का क्या होगा। क्या अभी रमा शंकर सिंह पटेल का रास्ता आसान हो गया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गुस्सा, जो भाजपाई त्योथर के भाजपा के नेता गुस्सा में हैं, वो क्रॉस वोटिंग करवाएं सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ और रमा शंकर सिंह पटेल को विजयी बनाएं? क्या पिंटू? जय श्री राम भैया। जय श्री राम, आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज में। क्या कहेंगे इस राजनीतिक बदलाव में? सिद्धार्थ अभी सिर्फ अफवाह है, कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं? बीजेपी तो ज्वाइन हो गया, ठीक है। ज्वाइन तो सदस्यता लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी ले सकता है, आप ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये होने नहीं देंगे। और जहां तक है आरएसएस, इसकी जड़ होती है भाजपा की, जो जड़ है वो आरएसएस है। आरएसएस इतना बेवकूफ नहीं है कि इनको तुरंत आके सीट जो है, अभी इन्होंने आज ज्वाइन किया और आज ही सीट इनको दे के चुनाव में सामने ला हो दे, सकता ये है कि ना हो भाजपा सके। ने अपना एक कांटा निकाला हो कि जिससे रीवा में और भी लगभग हर विधानसभा में जीत आसान हो जाएगी बीजेपी की, क्योंकि इनके लिए लोकसभा के लिए शायद कुछ सोचा होगा, पर विधानसभा के लिए कोई सोच नहीं है। आपके कहने का ये मतलब है कि अभी भी त्योंथर में संभावनाएं हैं कि त्योंथर के लोकल प्रत्याशी को ही टिकट मिले? हाँ, लोकल क्लियर है, लोकल उनका क्लियर है, श्याम लाल द्विवेदी या तो तिवारी लाल। अभी तो हाल ही में मधुकर द्विवेदी भी सदस्यता लिए थे, तो इनको भी कह देंगे विधानसभा सीट दिला दिया जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है, नए नए एग्जैक्टली यही आए चीज मेरे और भी मन में चल रहा था कि मधुकर द्विवेदी जी काफी जनसंपर्क कर रहे थे त्योथर में लगातार पिछले 1-1.5 साल में, और कहीं ना कहीं पता नहीं क्या वजह थी कि भाजपा ने उनको शामिल किया। और आज ऐसा है कि जैसे वो जब शामिल हुए थे तब भी काफी चर्चा थी कि अब तो श्याम लाल द्विवेदी जी का टिकट कट गया, तिवारी लाल जी के टिकट का चांस नहीं है क्योंकि मधुकर द्विवेदी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब तो सदस्यता लेना मतलब कोई बड़ी थोड़ी बात कुछ थोड़ी है, ही महीने सदस्यता बाद तो हर अब कोई ले तो सकता है, परिस्थिति तो अलग है। मजबूत। लेकिन यहाँ पे भी स्थिति ऐसी है कि पहले जब मधुकर जी ने भाजपा ज्वाइन किया था तब शायद चुनाव की सिर्फ चर्चाएं चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि चुनाव कब होना है, कब नामांकन होना है, कब कैसा होना है। अभी जो स्थिति है वर्तमान में वो स्थिति ऐसी है कि 23 तारीख से नामांकन फॉर्म भरे जाने हैं,
और उसके पहले कांग्रेस ने अपना टिकट क्लियर किया। कांग्रेस के टिकट क्लियर होने के पहले से ही ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि अगर त्यौथर से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट नहीं मिलता है तो वो किसी अन्य दल में जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह भी कयास लगाए हैं कि जिस भी पार्टी में वो जाएंगे तो उनका समझौता सिर्फ और सिर्फ त्यौथर विधानसभा से टिकट को लेकर होगा। और सिद्धार्थ भी बहुत सोच समझ के गए हुए हैं और भाजपा भी बहुत दूर तक सोचती है। अभी तक भाजपा के पास अगले पंचवर्षीय लड़ने के लिए कोई नहीं बचा हुआ है। हो सकता है अगले पंचवर्षीय की तैयारी हो। अगले पंचवर्षीय कोई नहीं बचा है का क्या मतलब है? कोई अच्छा और सक्षम लीडर नहीं है भाजपा में। भाजपा में या रीवा भाजपा में? अच्छा त्यौथर में। एक दो कमेंट आए हैं, एक दो कमेंट भी पढ़ लेते हैं। मनोज तिवारी करके हैं, वो लिख रहे हैं इस बार डॉक्टर अनिल तिवारी विनिंग कैंडिडेट हैं। अब ये बताइए, अभी भाजपा के अच्छे हैं कार्यकर्ता, अब इनको क्या कहेंगे? ये भी अभी सदस्यता लिए हैं, अब हम जाके सदस्यता ले ले और बोल दे हमको सीट दीजिए। कौन सीट देगा इसे? और वो सीट के लिए गए भी नहीं है, वो लोकसभा की तैयारी करेंगे। जहां तक हमें मालूम है वो लोकसभा की ही तैयारी करेंगे और भाजपा से वो लोकसभा चुनाव निकाल भी ले जाएंगे, ये भी गारंटी के साथ कह सकते हैं। कौन निकाल ले जाएंगे? सिद्धार्थ तिवारी, क्योंकि नेता तो दमदार है, इसमें कहने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो भाजपा के एग्जिस्टिंग लोग हैं जो आज पहुंच गए, जिनमें त्यौथर के मंडल अध्यक्ष भी हैं जो पहुंच गए हैं रीवा अपना त्याग पत्र देने के लिए, तो ऐसे में भाजपा इकट्ठी कहाँ हो पाएगी? इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो इस्तीफा देने के लिए गए हैं। सिर्फ फेसबुक और लोगों की अफवाह है कि सिद्धार्थ तिवारी त्यौथर से लड़ रहे हैं या कहीं से लड़ रहे हैं। कहीं से भी नहीं लड़ रहे हैं, वो आने वाले पंचवर्षीय की तैयारी करेंगे। वो क्या हो सकता है कि कह सकते हैं कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हो? लोकसभा की तैयारी कर रहे हो तो फिर जनार्दन मिश्रा जी का क्या होगा? जनार्दन मिश्रा भी ठीक है, जनार्दन मिश्रा जी अब रिटायर ले लें, क्या किया है आज तक? कोई नया है तो अभी ये, जैसे अगर हम संभावनाओं की बात करें तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर सिद्धार्थ तिवारी को त्यौथर से टिकट दे दिया गया तो कौन कौन से ऐसे बीजेपी के संभावित बड़े नेता हैं जो बीजेपी छोड़ सकते हैं और निर्दलीय श्यामलाल द्विवेदी का टिकट फाइनल है? जहां तक मुझे पता है टिकट फाइनल है श्यामलाल द्विवेदी जी का, और यह फाइनल उसी दिन संभव हो गया था जिस दिन रमाशंकर पटेल का फाइनल हुआ है। श्यामलाल द्विवेदी जी का फाइनल हो गया है आप कह रहे हो, ये आप किस आधार पे कह रहे हो? और अगर आप सोच भी रहे हो तो उसके पीछे डेफिनेटली कई ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको ये सोचने के लिए क्लू दिए होंगे कि श्यामलाल द्विवेदी जी का ही टिकट फाइनल होना है। भारतीय जनता पार्टी में रमाशंकर पटेल जब हारे हुए हैं 4000 वोट से, 4500 वोट से कुछ हारे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि त्यौथर में कांग्रेस ने रमाशंकर पटेल जी को पहले ही टिकट देके हथियार डाल दिया? ये भी है, इसी कारण हो सकता है कि श्यामलाल द्विवेदी का दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन अभी श्यामलाल द्विवेदी बन सकते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे अगर श्यामलाल द्विवेदी जी को टिकट मिला तो उसके पीछे भाजपा की क्या मंशा हो सकती है? हमारे त्यौथर में राजनीति जातिवाद से चलती है। अच्छा, विकास से नहीं चलती, ये परम सत्य है। तरुण तिवारी बोल रहे हैं कि मैं ब्रिजेश्वर तिवारी को भी लाइन में लूं, लेकिन वो दिख नहीं रहे। अंबुज द्विवेदी भी बोल रहे हैं कि मैं भी स्क्रीन साझा करूंगा। जब तक चलेगी त्यौथर में जातिवाद राजनीति, तो भाजपा या कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो जातिवाद सामान्य ही जीतेगा, कोई भी। वो सही बात है, लेकिन सामान्य में भी तो बहुत से लोग हैं। कोई जरूरी है कि भाजपा या कांग्रेस पार्टी सामान्य नेता को टिकट दे तो ही सामान्य नेता जीतेगा? अगर अगर आप ये कहते हैं कि लोग जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं तो जाति और ब्राह्मण बहुल इलाका है, तो ब्राह्मणों में भी तो बहुत अच्छे नेता हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी और कांग्रेस के ही
चुनाव चिन्ह के नीचे चुनाव लड़ रहे नेताओं को टिकट मिलना चाहिए या जीत होनी चाहिए? ब्राह्मण तो फिर किसी को भी विधायक बना सकते हैं ना? हाँ, बना तो सकते हैं, पर आजकल पार्टी का नाम बहुत चलता है, पार्टी बाजी के पीछे लोग पागल हो चुके हैं, सिर्फ अच्छा, पार्टियां देखते हैं। इन सब चीजों में जो एक चीज समझ में नहीं आ रही है वो क्या है, आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। त्योंथर की जनता, त्योंथर के जो वोटर्स है, उनका जो भविष्य है उसके प्रोस्पेक्टिव में, कि आखिर ये राजनीति के किस दौर में हम लोग जी रहे हैं। भैया, सच्चाई तो ये है कि त्योंथर सिर्फ नोटों पर चलता है, पर नोट पर वोट, सबको पैसे नहीं लेते होंगे, सब पैसे नहीं लेते होंगे, कोई अपने परिवार के नाम पे जुटता होगा, कोई अपने, जैसे कोई तिवारी है तो सोचा कि तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं तो चलो तिवारी को वोट दे देता हूँ, कोई और अपने त्योंथर में ये सब कुरीतियां भी तो है। यहाँ हर एक आदमी पीछे एक दलाल होता है, वो दलाल लेगा, दलाल एक्सैक्टली, जैसे कि मैंने ये एकदम सही पॉइंट बोले हूँ, मैंने जबलपुर के फुटपाथ पे एक महिला का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उससे पूछा कि पिछली बार किसको वोट दिए थे, उसने बोला नहीं पता, तो मैंने पूछा तो वोट कैसे देने गई थी, तो बोली बस हो गया, हम लोग गए थे, वो जो सरपंच था उसने हाथ पकड़ के हमारा वोट डाल दिया, किसको दिया हमको नहीं पता। तो कहीं आप इसी तरह के वोटिंग की तो बात नहीं कर रहे हो? ब्रिजेश स्वागत है खबरदार न्यूज में। यहाँ सिर्फ यह बताया जाता है कि हम वोट पकड़िए, यहाँ पे आप वोट डालना है, बाकी ना नाम जानते हैं ना काम जानते हैं। मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं किसी अच्छे जानकार आदमी को बुलाइए, जानकार आदमी बोलना कहाँ चाहता है आज के परिदृश्य में, उसको ये नहीं पता कि आज वो जिसके लिए बोलने वाला है कल वो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाए या बीजेपी से कांग्रेस में चला जाए और उसके लिए मुसीबत बन जाए। और जितने भी जानकार आदमी हैं त्योंथर में वो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिसको टिकट मिलेगा ये पार्टी किसको टिकट देगी, फिर मैं उसके हिसाब से बोलूंगा, अगर जिसको मैं सोच रहा हूँ उसको टिकट मिला तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर टिकट नहीं मिला तो फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं जनता त्योंथर को सोच के चलाते हैं, पार्टी बाजी से थोड़ा दूर हट के सोचते। एग्जैक्टली, त्योंथर के बारे में सोचे, त्योंथर के विकास, त्योंथर के मुद्दों के बारे में सोचे। ब्रिजेश्वर तिवारी चाहता हूँ इस बार जितने भी हो सब निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्टी बाजी से साइड होके निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत के त्योंथर पार्टियों के लिए है, पार्टियां त्योंथर के लिए नहीं है, व्यक्ति पार्टी बनाता है, पार्टी व्यक्ति को नहीं बनाता। एग्जैक्टली, तो ब्रिजेश्वर तिवारी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या है त्योंथर में, क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या लगता है कि क्या होगा इस चुनाव में त्योंथर में? राजनीति रहा करती थी, त्योंथर की राजनीति जातिगत राजनीति रहा करती थी, वर्तमान में त्योंथर की राजनीति का परिवेश बदल चुका है, आज त्योंथर की के युवा विकास की राजनीति करना चाहते हैं, रोजगार की राजनीति करना चाहते हैं, एक कानून व्यवस्था की चाहते हैं, शिक्षा की राजनीति चाहते हैं। अब यदि कोई ये कहे कि जातिवाद के आधारित राजनीति रहेगी, कहे कैंडिडेट कांग्रेस से कोई हो या भारतीय जनता पार्टी से कोई कैंडिडेट हो, पर आज का युवा पीढ़ी, आज के त्योंथर के लोग जागरूक हो चुके हैं, वह विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, आवारा पशु के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। और मेरी सभी युवाओं से यह निवेदन करेंगे, कौन सा ऐसा नेता है जिसने त्योंथर के बेसहारा पशुओं पे आवाज उठाई हो, जिसने त्योंथर के लिए सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पे आवाज उठाई हो, उसके लिए लड़ा हो, कौन ऐसा? देखिए सिद्धार्थ तिवारी जी 5 वर्षों से त्योंथर में लगातार सक्रिय हैं, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने त्योंथर में हो रहे भ्रष्टाचार की बात की। कार्यकर्ता के नाम पे सक्रिय थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सक्रिय थे।
उन्होंने आवाज इस पे आप कहना उन्होंने उठाई किसी भी पार्टी पे रह के, उन्होंने तो सोचा त्योथर के लोगों के लिए ही ना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बंदा भाजपा को हर जगह नीचा दिखा रहा है, वो भाजपा ज्वाइन के लिए, इस बात पर क्या कहेंगे? पार्टी ज्वाइन करना उनका पर्सनल मुद्दा है, उसमें आप नहीं बात कर सकते भैया। उनका वहाँ उनका सम्मान नहीं था, आत्मसम्मान जहाँ आदमी का जहाँ रहना चाहिए वहाँ आदमी को रहना चाहिए। वो त्योथर का विकास के बारे में सोच रहे थे। कांग्रेस जातिगत राजनीति कह लीजिए या बड़े नेताओं की राजनीति कह लीजिए, उस राजनीति पे फंस के उनको टिकट नहीं दी, वो तो कांग्रेस ने अपना भविष्य गर्त पे किया है। पर सिद्धार्थ जी ने त्योथर के लिए कुछ सोचा था और उन्होंने त्योथर को कुछ करने के लिए, त्योथर के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने टिकट लेके आया, उन्होंने अपने लिए टिकट लेके नहीं आया। सिद्धार्थ तिवारी जी की अपने लिए टिकट लेके आया है। त्योथर में कांग्रेस अगर गर्त में जा रही है तो कल को भाजपा भी गर्त में जा सकती है। भारतीय भाजपा कभी सोचा भी नहीं, कोई पार्टी कभी भी गर्त में जा सकती है, ये भविष्य की संभावनाएं हैं, इसमें बात करना उचित नहीं है। पर आज सिद्धार्थ तिवारी जी को यदि भारतीय जनता पार्टी त्योथर से टिकट देती है तो इसका समान अच्छा मैसेज जाए। आप रिक्वेस्ट करो जोड़ने के लिए और सही विकास की राजनीति होगी और हम सभी को विकास की राजनीति करना चाहिए, इन सब जातिवाद के मुद्दे पे और अन्य मुद्दों से उठ के लोग वाग। अब आपको तरह तरह के जातिवाद की बात करेंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे। हमें अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए कि जिससे हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सक्षम हो सके और भविष्य में कुछ कर सके। क्या कहोगे पिंटू इस बारे में? तुम तो सब मतलब देखा जाए तो अच्छी समझ भी रखते हो, त्योथर की मुखर भी हो और त्योथर के समस्याओं से भी के भी बारे में भी पता है। त्योथर की समस्या त्योथर के लोग हैं, ना तो कोई नेता है। त्योथर की समस्या त्योथर के लोग हैं, त्योथर के ये जो फर्जी नेता गिरी करने वाले जो चंद दिनों के लिए आते हैं वो हैं। और त्योथर वो नेता कहां करने वाले हैं? वही के लोग हैं ना, वही के लोग है जो कर रहे हैं, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसको मौका दीजिए। यदि आप जो अच्छा कर रहा है उसको मौका दीजिए तो ये बताओ आप राज सिद्धार्थ तिवारी ने अभी तक ऐसा क्या साबित किया है कि मान लिया जाए कि सिद्धार्थ तिवारी अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे, या उन्होंने पहले भी कुछ त्योथर की जनता या रीवा की जनता के लिए कुछ सिग्निफिकेंट काम किया है? सिद्धार्थ तिवारी ने त्योथर के लिए क्या किया? सिद्धार्थ तिवारी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद वो त्योथर में सक्रिय हुए। उन्होंने चाहे रोजगार का मुद्दा हो उस पर आवाज उठाया, चाहे उन्होंने आवारा पशु का मुद्दा रहा हो उन्होंने उस पर आवाज उठाई, या किसी के ऊपर वो भले आवारा पशु के मामले में बहुत सारे लोग मुद्दे उठा चुके हैं, प्रता से उसका विरोध किया। किसी नेता ने, सत्ता पक्ष के नेता ने यदि किसी के ऊपर 3-420 का फर्जी मुकदमा लग रहा हो तो उन विरोध नहीं किया, पर सिद्धार्थ तिवारी ने उसका विरोध किया। भाई आप रिक्वेस्ट भेजो ज्वाइन करने के लिए। क्या आशुतोष जी क्या कहोगे ब्रिजेश्वर तिवारी के बात में? कितना दम है, कितना सहमत हो इनकी बातों से? देखिए मैं सहमत तो और असहमत वो तो अलग चीजें हो गई, लेकिन अगर बात की जाए सिद्धार्थ तिवारी की तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने लगातार त्योथर में सक्रिय रहा है, और त्योथर में ही नहीं हर विधानसभा में वो सक्रिय रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो वो त्योथर में टारगेट थे, त्योथर में उनका ज्यादा फोकस बना हुआ था। और ये बात भी नहीं नकारी जा सकती है कि उनके द्वारा कई सारे ऐसे आंदोलन किए गए हैं, चाहे वो दादा के जन्मदिवस के रूप में किया गया हो और या तो अन्य किसी रूप में किया गया हो, लेकिन समय समय पर कई आंदोलन उनके द्वारा त्योथर में भी किए गए हैं, तो इस चीज से नकारा नहीं जा सकते। लेकिन इसके पहले वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के हैसियत से वो काम कर रहे थे त्योथर में। आज जिस पार्टी के खिलाफ वो लगातार मोर्चा खोल के बैठे थे, आज उसी पार्टी के वो कार्यकर्ता हो गए, तो ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कल जो विरोधी थे आज वही सत्ता पक्ष के नेता हैं। कल जो विरोधी थे आज वही सत्ता पक्ष के नेता हैं, ये बात एकदम सही कह रहे हो। तो पता कैसे चलेगी कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है? बीजेपी और कांग्रेस तो ये कैसी मतलब पार्टियों के नाम से थोड़ी ना कुछ होता है, उसमें काम करने वाले लोगों से फर्क पड़ता है।
तो सबसे बड़ी बात, हम कैसे मान लेंगे बीजेपी पार्टी अच्छी है त्योथर के लिए या कांग्रेस पार्टी अच्छी है या कोई अन्य दल अच्छा है या कोई निर्दलीय तो अच्छा है, कैसे हमको ये चीज समझ में आएगी? ये त्योथर के लोगों को अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किस मुद्दे में बात करनी है, जो मुद्दे की राजनीति करे त्योथर के लोगों को उनको चुनना चाहिए जो मुद्दे की राजनीति करे, पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्टी की राजनीति करेंगे तो त्योथर ही नहीं किसी भी विधानसभा में विकास की गति अवरुद्ध ही रहेगी। यदि आपको तो ये चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो तो आपको मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, जो आपके मुद्दों की राजनीति करे आपको उसके साथ चलना चाहिए, वो भले ही फिर किसी भी पार्टी में रहे। भले ही फिर किसी भी पार्टी में रहे तो जैसे आवारा मुद्दों पशुओं के मुद्दों पे बात कर रहे थे कि सिद्धार्थ तिवारी जी ने ये आवाज उठाई थी, उसका परिणाम क्या निकला? बिन्नू भैया जय श्री राम। आप ब्रह्मानंद आप सुन रहे थे हमारी बातों को, कुछ कहना है तो जल्दी से कह डालिए। सुन तो रहा था भैया, लेकिन ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सस्ता नशा वाली बातें हो रही थी। क्या ऐसा मतलब बीजेपी और कांग्रेस से हटके नहीं सोचा जा सकता? जब पार्टियां ही पार्टी के मूल आधारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की पैराशूट लैंडिंग करा रही हैं, तो त्योथर की जनता को भी सोचना चाहिए कि यहाँ व्यक्तिगत मसला बना हुआ है, व्यक्तिगतता को ही पार्टी पर लादा जा रहा है, तो व्यक्तिगत चुनाव करे। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है, अगर संभावनाओं पर बात की जाए तो अगर सिद्धार्थ तिवारी जैसे बृजेश्वर सिद्धार्थ तिवारी के सपोर्टर हैं और उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि वो सिद्धार्थ तिवारी त्योथर से लड़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात होता है। ये उनके सपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रश्न उनसे नहीं है, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी ने अगर सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया तो उसको ये भी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि श्याम लाल द्विवेदी, तिवारी लाल, अनिल तिवारी, देवेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, कृष्णावती शुक्ला, सरोज तिवारी, सुशील तिवारी, इन सब का क्या दोष था कि इनका टिकट काटा जा रहा है? इन्होंने तो जीवन लगा दिया। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर सिद्धार्थ तिवारी को भाजपा ने ज्वाइन कराया है, और मैं नहीं कहता कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइन कराया तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिंद को साधने की कोशिश की है। जैसे मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी अभी भाजपा से उनको निष्कासित कर दिया गया, या यूं कहा जाए कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं बिंद प्रदेश में नारायण त्रिपाठी एक अच्छे नेता थे, उन्होंने ब्राह्मण स्वरूप एक अच्छे व्यक्ति को। देखो नारायण त्रिपाठी, आप लोग कभी मैहर गए हो? हमेशा जाते होगे। बिल्कुल, इतने सालों से वो मैहर से जीतते आ रहे हैं, लगभग 4 बार अलग अलग पार्टियों से। तो क्या सब पार्टियां खराब थी कि वो मैहर का विकास नहीं कर पाए? इतना बड़ा शहर, हम आज त्योथर को जिला बनाने की बात कर रहे हैं, मैहर पता नहीं कितना बड़ा शहर है और आज तक वो जिला नहीं बना था, आज वो जिला बना है जाके। पहली चीज, मैहर में मैं 3 बार 4 बार गया हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, आप लोगों को पता है कि मैं बाहर रहता हूं, लेकिन जब गया हूं तो मैंने मैहर का रोड देखा, रोड सही नहीं है, माता जी के मंदिर तक जाने के लिए तक रोड खराब है। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहा है मैहर। मैहर आज भी रीवा से पिछड़ा है, जबकि 5 बार से नारायण त्रिपाठी जी मैहर में अच्छे पोजीशन में है, अच्छी पदवी में है। ये आपकी बातों से नकारा नहीं जा सकता भैया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बिंद को साधने की कोशिश की है, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिंद को अब क्यों साधने की कोशिश की है 5 साल बीतने के बाद? भारतीय जनता पार्टी ने रीवा से राजेंद्र शुक्ला जैसे कद्दावर नेता, जो एबल नेता है, जिन्होंने रीवा का विकास किया, उनको क्यों धरातल में डाल दिया था बीजेपी ने? मेरी बात
सुनिए, सिद्धार्थ तिवारी जी ने ज्वाइन करते ही एक स्टेटमेंट दिया। नहीं भाई साहब, एक स्टेटमेंट दिया भविष्य को, कि हमें भविष्य जो बनता है वो आज की वर्तमान परिस्थितियों, आज के वर्तमान काम से ही भविष्य बनता है। सदस्यता दी है, भविष्य को लेकर दी है। सदस्यता लेना कोई बड़ी बात नहीं, वो भविष्य को देखते हुए दिया है। क्या किसके नाम पे लिया है? मतलब पहले तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पूरा अधिकार है एक नेता को पार्टी बदलने का, अगर उसकी उसकी बात, उसकी इच्छाएं उस पार्टी में पूरी नहीं हो रही। अधिकार ये भी है कि सदस्यता ले सकते हैं। तो क्या लगता है? अच्छा, तो मैं मान लिया, चलो ठीक है, राज तिवारी जी का बीजेपी में आना, त्योथर से कोई लेना देना नहीं है, पर कहीं ना कहीं से तो लेना देना होगा। तो क्या राजेंद्र शुक्ला जी को खत्म करने के लिए, उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए सिद्धार्थ तिवारी को बीजेपी में शामिल किया गया है? कहीं ना किसी न किसी को तो उनके आने से इफेक्ट होगा। सिद्धार्थ तिवारी का भविष्य से लेना देना है भाजपा को, वर्तमान में कोई लेना देना। इन इन निर्णयों पे बात कैसे पहुंच रही है कि राजन शुक्ला को खत्म करने के लिए सिद्धार्थ तिवारी जी आए हुए हैं? ये तो विषय है ही नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। हम वर्तमान की बात करें, अगर वही भविष्य की ही बात कर रहे थे, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज त्योंथर ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि जिस त्योंथर का नाम मध्य प्रदेश या देश दुनिया के लोग नहीं जानते रहे होंगे, वो आज जानने लगे कि त्योंथर मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट में सबसे हॉट सीट है, एकदम अलग सीट है, जिसका अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि टिकट किसको मिलेगा। ये दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। सौभाग्य ये है कि भाजपा में, त्योंथर भाजपा में बहुत की वजह पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन से अच्छे नेता को टिकट दिया जाए। सुनी हमारी बात सुनी थोका हम हाँ। मतलब हाँ। सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ तिवारी जी ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है, भाजपा परिवार बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन जो हाँ। टिकट का आधार बनाया जा रहा है, टिकट का आधार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 2003 की सड़कें आपको याद होंगी और हमने 2023 का हाईवे देखा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ 2003 में था कौन, और ये विश्लेषण हो क्यों रहा है? आखिर में बीजेपी पार्टी ने अभी तो उनको टिकट दिया भी नहीं है, और अगर पार्टी टिकट देती है तो जैसे कांग्रेस में भसड़ मची है वैसे बीजेपी में मचेगी। आप मतलब आज वो ज्वाइन किए और आज ही उनका टिकट हो गया, ये कौन सी बात होती है? और फिर क्या ये वही पार्टी है जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, या दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसका सपना देखा था? उन्हीं के नैतिक मूल्यों पर चल रही है क्या ये? और उन्हीं के नैतिक मूल्य ये कहते थे कि आप जिंदगी भर किसी पार्टी को गाली दो और दो दिन पहले समर्थन के लिए या किसी भी के लिए भी आप उनको सत्ता में दे दो, और इससे उन व्यक्तियों का क्या? हम कहते हैं श्यामलाल द्विवेदी को ही लिया जाए तो श्यामलाल द्विवेदी ने पूरे जीवन, अपना पूरा जीवन बीजेपी पार्टी को दिया है। एग्जैक्टली विधायकी में वो कितना न्याय कर पाए या अन्याय किया, इस पे मेरा टॉपिक नहीं है। विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी बात अलग है, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन अपना बीजेपी पार्टी को दिया है। उसके अलावा राजन गौतम जी ने क्या किया, सुशील मिश्रा जी ने क्या किया, देवेंद्र सिंह जी ने क्या किया, इन लोगों ने तो अपना पूरा जीवन दिया, और इसका परिणाम बीजेपी पार्टी उनको क्या दे रही है? किसी ने लिखा है अपने कमेंट में कि बीजेपी ने जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनको धो देने का काम किया है, मतलब उनको अच्छा बनाने का काम किया है, ताकि आसपास एक भी कांग्रेसी ना बचे, हर जगह राम राज्य हो। सही बात है। चलिए अगर इसको भी मान लिया जाए, और मैं व्यक्तिगत तौर पर एक मतलब मतदाता के रूप में बात करूं तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मेरा समर्थन किस पार्टी के समर्थन में नहीं है? आप किसी अदर व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराते ही टिकट दे देना, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। संभव तो ऐसा भी जब सुनने में आ रहा था कि सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तब भी लोग बोल रहे थे कि ये संभव नहीं है, संभव हो गया। वो संभव है भाई, वो अपने मन की विकार है, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर ये संभव वो व्यक्तिगत निजी है, ये निजी नहीं है, जो उधर किसी के निजी और संपत्ति नहीं है।
लेकिन संपत्ति तो मान रहे हैं ना, अगर बीजेपी किसी बड़े नेता को कांग्रेस से उठा रही है तो वो ये तो मानती है ना कि इस व्यक्ति के पीछे 10 से 20 हजार वोट बैंक है, नहीं तो फिर कांग्रेस बीजेपी को इतनी तो चॉइस होनी नहीं थी उसके पास आने देता है। कांग्रेस पार्टी खुद टिकट देती, 10 से 20 हजार वोट होता तो कांग्रेस खुद टिकट देता। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं धर्मेश शुक्ला जी। धर्मेश शुक्ला जी आपका स्वागत है, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब, क्या कहेंगे त्योंथर के इस भूचाल में? नो कमेंट। वॉशिंग मशीन में धुलाई चालू है, देखिए क्या निकल के आता है। अभी कुछ बोलने लायक नहीं है। क्यों नहीं है बोलने लायक? आपको कांग्रेस में हो, आपको कौन सी टेंशन है? आपका तो टिकट फाइनल हो चुका है। हाँ तो हमारा टिकट अब फाइनल हो चुका है, काम चालू है और हमारा प्रत्याशी उस बार लगभग 5000 वोट से चुनाव हार गया था। इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ पे बीएलए लेवल के जो भी सभी गांव में लगे हुए हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि इस बार हम लोग